ले गई, अब ले गई भाई इनिशियल से 60 पे ही आ गए हैं, 60 पे आ गए भाई। गाइज कैसे हो आप सब, आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। तो गाइज आज है डे 226 हमारे चैलेंज का, और आज आप एक और इंटरेस्टिंग ड्रैग देखने वाले हो। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बिना बिल्कुल भी मत जाना। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो भाई साउंड ही सुन ली होगी आपने, तो आ गए हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने। और भाई फ्रेम में दिख रही होगी आपको दो गाड़ियाँ, एक तरफ आपकी ट्यून्ड हैरियर, दूसरी तरफ आपकी ट्यून्ड क्रेटा। तो भाई दोनों ट्यून्ड है, स्टेज वन, दोनों डीजल है। अब अगर पावर स्पेक्स आपको बता दूं तो इसमें भाई 2.0 लीटर का डीजल टर्बो इंजन आता है, जो अब स्टेज वन होने के बाद 198 की बीएचपी, साथ में 450 एनएम का टॉर्क निकालता है। और ये भाई आपकी 160 की बीएचपी, साथ में 320 एनएम टॉर्क निकालती है। और ये 1.6 लीटर की डीजल इंजन के साथ आता है, और ये मैनुअल में, ये ऑटोमेटिक में है। तो भाई यही थी कुछ इनकी पावर स्पेक्स। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं। लक्ष्य भाई और प्रथम भाई बैठे हैं क्रेटा में, तो देखते हैं क्या रहता है। हमारा स्पोर्ट्स मोड, एसी ऑफ, बाइक की स्पेसिफिकेशन पूछो। तो भाई आ गए पहले राउंड में, और स्पोर्ट्स मोड एसी, ट्रैक्शन उसमें होगा नहीं है, एक बार ना राउंड वन ना ट्रैक्शन ऑन करके ही करो। अच्छा, इसमें स्पोर्ट्स मोड में क्योंकि ट्रैक्शन ऑन रहेगा तो पता लग जाएगा क्या रहता है, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में ऑफ कर लेना है ना। हाँ। थोड़ा बराबर बराबर हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा, एक बार लग रहा है वो जीत सकती है ना। हाँ, एक बार ट्रैक्शन ऑन रहेगा तो पता लग जाएगा ना। चलो जी करो भाई फिर स्टार्ट। उनको किसी को बोलो 3-2-1 कराए। करो भाई आप करो 3-2-1 डालता हूँ 3-2-1 के लिए। तो भाई उसका जो है हमने ट्रैक्शन ऑन रखा है फर्स्ट राउंड में, ताकि थोड़ा कंपटीशन दोनों का बराबर हो जाए। इसका ऑन ही रहता, ऑफ नहीं होता। भाई इनिशियल से तो ले गई, देखा ट्रैक्शन का यही था मेरे को ना, मेन ट्रैक्शन का ही था, क्योंकि ट्रैक्शन अगर आएगी ना 100 के बाद तो जाएगी भाई, वो लाइट वेट है, पर ट्रैक्शन ऑन करने में यही फर्क रहा है। कितना मस्त है। हाँ, 120 के बाद, 120 के बाद बराबर ही चल रही है, थोड़ी थोड़ा 140 आ गई भाई अपनी गाड़ी। भाई ये दोनों गाड़ियां ना बहुत रॉस ही बनाई है इन्होंने ना, सफारी और, क्योंकि ट्रैक्शन ऑन है ना भाई। अब आप ट्रैक्शन ऑफ करके देखो एक राउंड, ट्रैक्शन ऑफ करो फिर आप वहां से आप चलाना भाई, वो चलाएगा फिर देखते हैं। कोई नहीं हटने दो थोड़ा भाई, वो ट्रैक्शन ऑन थोड़ा लॉन्च लेट हो गया था उनका, ठीक है। ट्रैक्शन ऑन था ना इसीलिए, अभी भी ऑन ही रख रहे हैं, ऑन ही रख रहे हो, ऑन है ट्रैक्शन, ठीक है कर रहे हैं भाई। फिर राउंड 2-3 अब देखते क्या रहता है भाई। ओहो इनिशियल से ही आ गए, इनिशियल के साथ ही 7-7-7-7 भाई पर 100 पे पूरी क्रॉस, ट्रैक भी थोड़ा वो है ना। हाँ 100 पर पूरी क्रॉस हुई है भाई, लाइट वेट का बेनिफिट तो एट द एंड लेके जाना ही है उसने, चाहे कुछ भी करो। रोहन भाई हमारे हैवी ड्राइवर है ना भाई, रोहन भाई पे पूरी उम्मीद है भाई, मजा आ गया उसको इसको चला के। पर भाई क्रेटा ने भाई कर दिया, कर रहे हैं भाई राउंड 3, उनका ट्रैक्शन अब ऑफ है, करते हैं 3-2-1 ओ ट्रैक्शन ऑफ, आ ले गई, अब ले गई भाई इनिशियल से 60 पे ही आ गए हैं, 60 पे आ गए भाई। आवाज भाई उसकी आवाज खतरनाक, हां कितनी भाग रही है, भाग रही है, पर ज्यादा गैप नहीं बन पा रहा भाई, ये भी तो भागती है, गैप इतना कैसे रहेगा, देख लो भाई कोई फायदा नहीं हुआ आने का। तो भाई ट्रैक्शन ऑफ होने के बाद वो इनिशियल से निकल जाती है, बाकी ट्रैक्शन मैं तो कहता हूं आखिरी राउंड में एक सिंगल इसमें कर दो, उसमें तीन जने बैठ जाओ तब देखते हैं। हां उसमें चलो आने दो, आगे ले लो भाई, तो भगाता हुआ वहीं ले जाता है, लग रही मुझे तो लग रहा है कि आगे लेके जा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया भाग रही है भाई। हां भाई मैं तो सोच रहा हूं एक मतलब स्कॉर्पियो से तो चलाने में छोटी लगती है ना ये, तो मैं सोच रहा हूं एक ये ले लूं ब्रेजा देख के, मजा आपको तो मैंने उस दिन बोला ही था भाई ले लो, देखता हूं एक ये वाली भी लेके,
कौन सी? हाँ ठीक है, आओ आओ भाई, आप चला लो, ड्राइवर चेंज कर रहे हैं भाई, हम उधर आ जाएंगे ना, मोटे मोटे हो जाएंगे। हाँ और इसका ट्रैक्शन ऑफ ही रहने देते हैं, तीन जने हो जाते हैं फिर देखते हैं। तो भाई अब लक्ष्य भाई चलाएंगे अपनी हैरियर और हम तीनों बैठ जाते हैं क्रेटा में, बिकॉज कार इज हैवी ब्रो। सब तीनों भाई 100-100 किलो पार, हमने इसका वेट 1500 किलो बना दिया, थोड़ा ऊपर उठा, दबाओ ना बटन, दबाओ बटन, एरोप्लेन वाली है, एरोप्लेन है। तो भाई मैं शूट नहीं करूंगा, रोहन से ले लूंगा क्लिप, क्योंकि ये अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। तो भाई अब हम हो गए तीन, करते हैं फाइनल राउंड, ट्रैक्शन ऑफ है ना, ऑफ है, चलो भाई अब करते हैं लास्ट राउंड, करूं वो तीन ऑन बना। अरे 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 भाई साहब, क्या कांपी गाड़ी जाती है, तो हैवी वेट होने के बाद दब गई भाई क्रेटा, क्रेटा दब गई भाई, ले जाओ भाई, अरे ये क्या हो गया, हैरियर निकलते हुए भाई, हैरियर, अरे जिसमें शकील बैठ जाओ गाड़ी कैसे हार जाएगी, 140 आ गई भाई, 140 आ गई, तब भी वो हैरियर आ गए, करना पड़ेगा लॉन्च, नहीं हुई वो, हिल गई ना पूरी गाड़ी। हाँ दोबारा करते हैं भाई, यहाँ से करेंगे लास्ट राउंड दोबारा, फिर देखते क्या रहता है। पर भाई एक चलो भाई कर रहे हैं यहाँ से रोलिंग, रोलिंग राउंड कर रहे हैं भाई 20 की स्पीड पे, भाई साहब रोलिंग में तो ले गई हैरियर, खींचते हुए भाई, हैरियर 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 सही निकल रही है, तो सही निकल गई भाई, अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है 140 और हैरियर अभी भी आगे, अरे भाई अब कवर कर रही है थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के, बहुत कम गैप है भाई, बहुत कम गैप है, एक बाइक स्कूटी का भी गैप नहीं है, बराबर है एकदम बराबर, हम तीन हैवी हैवी बंदों का गैप है बस। भाई वेट के बाद है दम उसके अंदर है ना, जब इसके अंदर वेट बढ़ गया, हमने सेल टॉस में वेट बढ़ाकर नहीं देखा, सेल टॉस में इसका वेट बढ़ाकर देखते ना तो भी उसका भी पता लग जाता, वो नहीं आ रही पेट्रोल की वजह से, हाँ पेट्रोल और ऊपर से टर्बो चार्ज है ना भाई, ये टर्बो नहीं है ना मेरे ख्याल से ना, हैरियर ने भाई बढ़िया टर्बो हो गई ना, हैरियर ने भाई बढ़िया परफॉर्मेंस दी, पर जबरदस्त, करते हैं। I hope सबने वीडियो को एंड तक देख लिया होगा, वीडियो लाइक कर दी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं करा तो भाई फटाफट से कर दो, बाकी हम लोग मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।